नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अनलॉक बिहार में स्कूल कोचिंग समेत इन चीजों में मिली छूट। बिहार बोर्ड ने इंटर एडमिशन की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ाई। आज कई जिलों में जारी हुआ ब्लू अलर्ट। बिहार बीएड सीईटी 2021 का एडमिट कार्ड हुआ जारी। 15 अगस्त से पहले बिहार सरकार के कर्मचारियों का बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड ने इंटर एडमिशन की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ाई आगे। बिहार बोर्ड से इंटर की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। हाल ही में सीबीएसई की तरफ से 10वीं के रिजल्ट की घोषणा के साथ ही बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सत्र 2021 से 23 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में एडमिशन के लिए 10 अगस्त 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। पहले यह तारीख 3 अगस्त की ही थी। इसके बाद बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 10वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में नए छात्रों के एडमिशन होने की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग में जल्द ही होगी बंपर बहाली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। ग्रामीण विकास विभाग जल्द ही बंपर बहाली निकालने वाला है। विभागीय स्तर पर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली का खाका तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत लगभग 10,000 पदों पर जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्रामीण विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नियमित बहाली पर सालाना 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। विभागीय जानकारों की माने तो विभाग में अभी 1,070 सेक्शन है। हर सेक्शन में एक जूनियर इंजीनियर है, एक सर्वेयर जो आईटीआई उत्तीर्ण होंगे, एक वर्ग सरकार, एक लोअर डिवीजन क्लर्क और एक कार्यालय अनुसेवक की बहाली होगी। कई जिलों में जारी हुआ ब्लू अलर्ट। बिहार में मॉनसून की सक्रियता देखने को मिल रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल मॉनसून की सक्रियता ऐसी ही बनी रहने वाली है। मौसम का आलम यह है कि बिहार के कई जिलों में एक साथ फिर से बारिश शुरू हो गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सभी 38 जिलों के लिए आज ब्लू अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिहार में वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस बाबत उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पश्चिम की तरफ बढ़ने वाले निम्न हवा के दबाव और बिहार झारखंड होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से पर बने साइक्लोन सर्कल के प्रभाव से पटना सहित 19 जिलों में 3 से 11 एमएम तक बारिश होने के आसार हैं। अनलॉक बिहार में स्कूल कोचिंग समेत इन चीजों में मिली छूट। बिहार में बीते दिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई, जहां पर अनलॉक को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई है। 7 अगस्त से 25 अगस्त तक अनलॉक के नए नियमों को लागू किया गया है, जिसके तहत 9वीं से ऊपर तक के स्कूल कोचिंग संस्थानों को 7 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं से 12वीं तक स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 7 तारीख से 9वीं से स्कूल और 10वीं से ऊपर तक के कोचिंग संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही मॉल और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसके अलावा मठ मंदिर फिलहाल नहीं खुलेंगे। वहीं कोविड-19 की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 25 अगस्त तक धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सभी दुकान प्रतिष्ठान सामान्य रूप से साप्ताहिक बंदी के साथ शाम 7 बजे तक खुलेंगी। यानी कि एक बात साफ है कि एक दिन के अंतराल पर दुकान खोलने के नियम अब निरस्त कर दिए गए हैं। भारतीय गेंदबाजों के सामने पहले ही दिन ढेर हुई इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला। नॉटिंघम की हरी पिच पर भारतीय तेज गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। इस दौरान मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कमाल के कारण ही मेजबान टीम पहली पारी में 183 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए, वहीं मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड खिलाड़ियों की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने अर्धशतकीय पारी खेली। रूट ने अपने टेस्ट करियर का 50वां अर्धशतक खेलते हुए 64 रन बनाए। जो रूट के अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 29 और जैक क्राउली ने 27 रन बनाए। सीईटी 2021 का एडमिट कार्ड हुआ जारी। राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए अब उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बीते दिन ही छात्रों के लिए जारी कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जिन भी छात्रों ने बीएड का फॉर्म भरा है वो बिहार CET BED INMU.IN पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे यह परीक्षा 13 अगस्त को आयोजित होने वाली है, जो कि पहले 11 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की नवोदय प्रवेश परीक्षा की तारीख उसी दिन निर्धारित हो जाने से सीईटी बीएड परीक्षा की तारीख बढ़ा दी गई है, जिसके तहत ही 13 अगस्त से पहले सभी छात्रों से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अपील की गई है।
बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अवधेश मिश्रा की। अवधेश मिश्रा का जन्म आज ही के दिन बिहार में हुआ था। अवधेश मिश्रा एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा के फिल्मों में मुख्य रूप से नकारात्मक भूमिकाओं में काम करते हैं। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों, दक्षिण भारतीय फिल्मों और बॉलीवुड में भी मुख्य खलनायक के रूप में काम किया है। अवधेश मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत पटना थिएटर में एक थिएटर कलाकार के रूप में किया था। 2005 में उन्होंने सुनील सिन्हा द्वारा निर्देशित भोजपुरी फिल्म दूल्हा ऐसन चाही में खलनायक के रूप में फिल्मी अभिनय की शुरुआत की थी और उनके अभिनय को आलोचकों और दर्शकों ने बहुत सराहा था। अवधेश मिश्रा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक सात सहेलियां, डर्टी पॉलिटिक्स, छोरा गंगा किनारे वाला, जीना तेरी गली में जैसी फिल्मों में काम किया है। कोरोना संक्रमित हेल्थ वर्कर को मिल रहे मुआवजे की बनी नई योजना। बिहार में कोरोना संक्रमित हेल्थ वर्कर को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की योजना है। इस बाबत सभी जिलों के जिलाधिकारी वन पेज सर्टिफिकेट देने वाले हैं। बिहार में अब तक 12.78% हेल्थ वर्कर को ही केंद्र सरकार की तरफ से घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोरोना के अंतर्गत मुआवजे की राशि दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना के कारण 305 हेल्थ वर्कर की जान गई है। उसके एवज में केवल 40 हेल्थ वर्कर को ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। मेडिकल कॉलेज में रिक्त शिक्षकों के पदों की बहाली के लिए पटना हाईकोर्ट ने मांगे जवाब। बिहार के मेडिकल कॉलेज में कई सालों से प्रोफेसर और एसोसिएट के पदों पर कार्यरत डॉक्टरों को अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जूनियर पद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने डॉक्टर राकेश रंजन और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। वहीं इस बाबत याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि कुमार ने बताया कि इन डॉक्टरों की तैनाती बहुत ही जूनियर पद पर दी गई है। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार से जब पटना हाईकोर्ट ने जवाब की मांग की थी तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि पूरे राज्य में प्रोफेसर के स्वीकृत 428 पद पर मात्र 91 पोस्ट पर नियमित रूप से नियुक्ति की गई है, 317 पद रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर के 1039 स्वीकृत पद पर मात्र 257 पदों पर नियमित शिक्षक कार्यरत है, बाकी 782 पद खाली पड़े हैं। जिसके बाद अब खाली पड़े पदों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की जानकारी मांगी है, जिसके बाद अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। 15वीं वर्षगांठ पर इंडिगो देगी विशेष ऑफर। आज इंडिगो अपना 15वां वर्षगांठ मना रही है। वहीं आज इस शुभ मौके पर अपने 15 साल के संचालन का जश्न मनाने के लिए एयरलाइन प्रमुख इंडिगो ने आज अपने सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन पर ₹915 से शुरू होने वाले सभी समावेशी किराए की पेशकश करते हुए 3 दिवसीय विशेष बिक्री की घोषणा की है। यह प्रस्ताव 4 से 6 अगस्त से शुरू होगा और 1 सितंबर 2021 से 26 मार्च 2022 के बीच यात्रा पर लागू होगा। इसके अलावा इंडिगो ने अपने 15वें वर्षगांठ के अवसर पर फास्ट फॉरवर्ड, 6E फ्लेक्स, 6E बैकपोर्ट सहित 6E एड ऑन ₹315 में पेश करने की बात कही है, जबकि कार रेंटल सेवा ₹315 से शुरू करने का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग अब 9वीं क्लास के बच्चों को देगी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। बिहार में अब 9वीं कक्षा और उसके ऊपर के छात्रों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति की जान कैसे बचानी है, इस बात की जानकारी दी जाएगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्रमुख संजय कुमार ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है। इस बाबत शिक्षा विभाग बहुत जल्द एक समझौता पत्र भी जारी करने वाला है। वहीं जारी किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा कि विभाग बहुत जल्द एक MOU पर हस्ताक्षर करने वाला है, जिसके तहत 9वीं और उसके ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को फर्स्ट एड केयर और CPR की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह दुर्घटना के पहले घंटे में पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। छात्रों को गोल्डन आवर का महत्व भी समझाया जाएगा। 15 अगस्त से पहले बिहार सरकार के कर्मचारियों का बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। स्वतंत्रता दिवस से पहले नीतीश सरकार बिहार के सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का काम कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य कैबिनेट की तरफ से सरकारी कर्मियों के DA को बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। जानकारों की माने तो मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकार अपने कर्मियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से ही DA देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को वित्त विभाग अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अगर सब कुछ सही रहा तो 15 अगस्त से पहले राज्य कर्मियों को बढ़ा हुआ 28% DA का मिल सकता है। इतना ही नहीं, इसका भुगतान जब भी होगा तो जुलाई महीने का एरियर भी राज्य कर्मियों को दिया जाएगा। अब बिहार में भी ले सकेंगे मलेशिया थाईलैंड की लीची का स्वाद। अब तक बिहार की लीची का स्वाद विदेशों में लोग लेते थे, लेकिन अब बिहारवासी मलेशिया और थाईलैंड की लीची वैरायटी लौगान का स्वाद इस महीने से लेने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर में इस सोसाइटी में इस वैरायटी के 100 से अधिक पौधे में फल पककर तैयार होने लगे हैं और लोगों के लिए भी इसे उपलब्ध करवा दिया गया है। जानकारों की माने तो लौगान का पौधा 5 साल में तैयार हो जाता है और मीठा फल देने लगता है। वहीं लीची अनुसंधान की तरफ से लगातार इस पौधे को लगाने के लिए किसानों को प्रेरित
करने का काम किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यह लीची इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बेहद ही मददगार है। मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का जमीनी स्तर पर लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते कई दिनों से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में कोरोना की तैयारियों को लेकर जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटना के बोरिंग केनाल रोड, राजा पुल, गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, भट्टाचार्य रोड, कंकड़बाग मेन रोड, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड, करबीघिया और मीठापुर का जायजा लिया, जहां जमीनी स्तर पर उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं। इस दौरान उन्होंने ये भी देखा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए क्या लोग मास्क लगाने के नियम का पालन कर भी रहे हैं या नहीं। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए तैयार है बिहार पुलिस। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम करने की बात कही जा रही है। इस बाबत बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कई बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय ने पंचायत चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है, इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान बिहार पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव कराया था। बिहार पुलिस ठीक उसी प्रकार पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां कर रही है, जो इसके बाद अब चुनाव की तारीख इस महीने के अंत तक जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। बच्चों के टीकाकरण और पोषण के लिए शुरू हुआ नया मिशन। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं इसी बीच बच्चों के पोषण और सामान्य वैक्सीनेशन पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आशा को विशेष मिशन पर लगाया है। इस बाबत विभाग ने कहा है कि 3 से लेकर 15 महीने तक के बच्चों को लेकर नई पहल की गई है, जिसके तहत अब आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर उनकी देखभाल करेंगी। इसमें शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिसके तहत अब आशा घर घर जाकर छोटे बच्चों में स्तनपान, टीकाकरण, स्वच्छता, पूरक आहार, एनीमिया एवं आहार विविधता का ख्याल रखें। मेट्रो डिपो से आईएसबीटी तक बनेगा डेडिकेटेड एलिवेटेड रोड। राज्य के पहले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बैरिया बस स्टैंड तक पटना गया रोड पर बनने वाले मेट्रो के डिपो से जाना बेहद आसान होगा। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आईएसबीटी के पास बनने वाले मेट्रो डिपो को डेडिकेटेड एलिवेटेड रोड से जोड़ने की तैयारी हो रही है। पीएमआरसीएल की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। इससे दोनों स्टेशन पर आने वाली यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी और एक बेहतर यातायात की सुविधा बढ़ेगी। वर्तमान समय में 0 माइल से आईएसबीटी तक 6 लेन की सड़क बननी है। इसमें 4 से अधिक लेन बन चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सारा काम तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। बॉक्सर लवलीना को मुख्यमंत्री नीतीश ने दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक 2020 के मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन को बधाइयों का तांता लग गया है। पूरे देश में उन्हें कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं। इसी बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीते दिन लवलीना को जीत की बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर मुक्केबाजी के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि लवलीना बोरगोहेन प्रगति की ऊंचाई के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करती रहे, ऐसी मेरी कामना है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारियां बिहार में हुई शुरू। बिहार में 74वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसका आयोजन बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया जाएगा। इसको लेकर गांधी मैदान में बैरिकेडिंग के कार्य के साथ साथ बाकी सभी तैयारियों को मूर्त रूप देने का काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गांधी मैदान के अंदर एक थाने का निर्माण भी करवा दिया गया है। संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार भी लोगों को अंदर घुसने की अनुमति नहीं होगी, न ही किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ जिस पिच के आकर्षक झांकियां और परेड गुजरेंगी, उस पिच पर रोड रोलर चलाकर उसे समतल करने का कार्य शुरू किया जा चुका है। भाजपा ने कुशवाहा को बताया अवसरवादी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाल ही में जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री मटेरियल बताया था, जिसके बाद अब भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को लपेटे में लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कुशवाहा का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ नेता आजकल पीएम पद के लिए काबिलियत का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आसमान पर तबियत से अरमानों के पत्थर उछालते रहिए, सुराख पैदा नहीं होने वाला। मोदी जनता के हैं और जनता मोदी की, दूसरों के लिए वैकेंसी नहीं है। कुछ अवसरवादी नेता सब कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, लेकिन देश की अधिकांश जनता का यही कहना है कि मोदी लाओ, तो ये समझने वाली बात है कि मोदी को हटाने का मंसूबा रखने वाले किस किस के साथ खड़े हैं। वायरल
इन्फेक्शन के इलाज का बदला तरीका। पटना समेत पूरे बिहार ने कोरोना का दंश देखा है, वहीं अब तीसरी लहर की संभावना तेज हो गई है। इसी बीच वर्तमान समय में रहस्यमय बुखार मामले बढ़ रहे हैं। मरीजों में हो रहा वायरल इन्फेक्शन अब लंबे समय के बाद ठीक हो रहा है। कोरोना काल में डॉक्टरों ने वायरल के इलाज का तरीका भी बदल दिया है। आलम यह है कि वायरल का इलाज करने के लिए कोरोना से निपटने के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाइयां दी जा रही हैं। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आई एस ठाकुर ने बताया है कि मौसमी बीमारी से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इस बार वायरल में नए प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसको देखते हुए ओपीडी में इलाज का तरीका भी बदल दिया गया है। जिन भी मरीजों को ज्यादा दिन तक बुखार आ रहा है, उनका आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। रीडिंग के समय ही अब जमा कर सकेंगे बिजली का बिल। शहरी इलाकों में बिजली बिल जमा करने के दौरान एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत राज्य के शहरी इलाकों में अब मीटर रीडर आपके बिजली बिल की राशि भी मांगेंगे। बिल की राशि जैसे ही आप देंगे वैसे ही आपको ऑनलाइन रसीद मिलेगी। हालांकि यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी, बिल जमा करने के लिए मीटर रीडर दबाव नहीं बनाएंगे। यह नई व्यवस्था 1 अगस्त 2021 से प्रभावी हो गई है। इससे पहले इस तरह की व्यवस्था केवल ग्रामीण इलाकों में ही थी। इसका मकसद उपभोक्ताओं को आसानी से बिजली बिल जमा करने में मदद करना है, साथ ही बिल के बकायेदारों से बिजली बिल जमा करने में जागरूकता बढ़ाना है। ज्ञात हो इस काम में लगाए गए सभी मीटर रीडर को पिछले 1 से 1.5 महीने से प्रशिक्षण का काम दिया जा रहा था। अब आसानी से पता करें असली और नकली आधार कार्ड के बीच का अंतर। आधार कार्ड की जरूरत आज के समय में बढ़ गई है। उसी के साथ ही अब आधार से जुड़े फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में फर्जी आधार कार्ड की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अब UIDAI ने फर्जी आधार कार्ड को लेकर चेतावनी जारी की है, साथ ही नकली और असली फर्जी कार्ड में फर्क बताने का उपाय भी बताया है। इसके लिए सीधे UIDAI द्वारा दिए गए लिंक resident.uidai.gov.in पर जाएं। यहां पर अब आपको आधार कार्ड में दर्ज 12 अंकों को दर्ज करना होगा। कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपको पता चल जाएगा कि दिया गया आधार नंबर सही है या नहीं। सही होने पर 12 अंकों के आधार नंबर की संख्या की प्रमाणिकता आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 2011 में नासा के वैज्ञानिकों ने साइंस पत्रिका में मंगल ग्रह पर बहता पानी होने का दावा किया था। 2011 में नासा द्वारा बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष शोध यान जूनो छोड़ा गया था। 2018 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया था। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर से संविधान में उल्लेखित धारा 370 को हटा दिया गया था और इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। 2020 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था। भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1969 को हुआ था। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को हुआ था। वहीं 1987 में भारतीय अभिनेत्री चुनेरिया डिसूजा का जन्म हुआ था। 2000 में भारत के महान और ख्याति प्राप्त क्रिकेटरों में से एक लाला अमरनाथ का निधन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,220 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,490 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.72 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, अभिषेक आनंद, मयंक कुमार, गुंजन कुमार, नुन्नू कुमार, शमशेर कुमार, अमन कुमार, SYK, जौहर हुसैन, ललित कुमार, गजेंद्र कुमार, रंजीत मेहता, अभिषेक आनंद, सोनल सिंह, अनवर करीम, प्रदीप कुमार, मौर्य राज, प्रकाश सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार में कोरोना के वर्तमान मामलों को देखते हुए सरकार को अनलॉक के तहत दिए जा रहे छूट में बढ़ावा देना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।